नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पहले चाचा शिवपाल अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं, तो अब समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी अखिलेश यादव से नाराज होते हुए पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव और आजम खान के बीच एक बार फिर दूरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अब आजम खान के समर्थन में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सलमान जावेद राय ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही सलमान जावेद ने अखिलेश यादव पर मुसलमानों का समर्थन न करने पर और मुसलमानों के मुद्दे पर चुप रहने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया है। सलमान जावेद सुल्तानपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी सचिव हैं। उन्होंने लिखा कि सपा नेताओं पर हो रही कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी हुई है, जिससे नाराज होकर वह इस्तीफा दे रहे हैं। अपने पत्र में सलमान जावेद ने लिखा है कि आजम खान को परिवार सहित जेल में डाल दिया गया, नाहिद हसन को जेल भेजा गया, सरजिल इस्लाम का पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, अखिलेश यादव खामोश रहे। उन्होंने आगे लिखा है कि जो कायर नेता अपने विधायकों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, वो आम कार्यकर्ता के लिए क्या आवाज़ उठाएगा। हम आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब आजम खान के सपोर्ट में समाजवादी पार्टी के अंदर आवाज़ उठी हो। इससे पहले 11 अप्रैल को भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सवालों के घेरे में कार्यकर्ताओं ने खड़ा कर दिया। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। फसाहत अली ने ये आरोप सीएम योगी के बयान को सही ठहराते हुए लगाया था। दरअसल आजम खान के मीडिया प्रभारी ने एक मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा था कि क्या यह मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सही कहते हैं कि अखिलेश नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। फसाहत अली ने कहा है कि जेल में बंद आजम खान को जेल से बाहर न आने की वजह से हम लोग सियासी रूप से यतीम हो गए हैं। हम कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे और किसको अपना गम बताएंगे। हमारे साथ तो वो समाजवादी पार्टी भी नहीं है जिसके लिए हम अपने खून का एक एक कतरा बहा दिए। विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव भले ही उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में रहने का फैसला करते हुए करहल से वो बतौर विधायक
उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन जिस तरीके से 2024 को लेकर अखिलेश यादव तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन उनके पार्टी में जो दरार की खबरें निकल के लगातार सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की चिंता को बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव अपने पार्टी में जो टूट पड़ रही है उसको रोक पाते हैं या नहीं, या एक के बाद एक इसी तरीके से नेताओं के इस्तीफे आते रहेंगे।